क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत के दौरे पर आई इंग्लैंड की टीम को पहले टेस्ट मैचों में मुंह की खानी पड़ी, तो उसके बाद T20 सीरीज में भी भारत ने अंग्रेजों को धूल चटा दी और अब बारी वनडे सीरीज की है। वनडे सीरीज के लिए दोनों ही टीमें पुणे पहुंच गई हैं और 23 मार्च को सीरीज का पहला वनडे मैच यहां खेला जाएगा। डे नाइट होने वाले इस मैच के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं और यहां पुणे के पहले प्रैक्टिस सेशन में भारत की पूरी टीम की झलक भी नजर आई है, क्योंकि मेन नेट्स पर वही खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए जिन्हें पहले वनडे मैच में खिलाया जाना है, जिसके बाद वनडे के लिए टीम फाइनल मानी जा रही है। और इस टीम में 5 बड़े और दिग्गजों की वापसी हो रही है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली आखिरी वनडे की टीम में भारी फेरबदल यहां पर होने जा रहा है। तो कैसी होगी पहले वनडे के लिए भारत की टीम, कौन कौन होगा अंदर, कौन होगा बाहर और कैसा होगा टीम का कॉम्बिनेशन, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इसे लेकर कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो पुणे के मैदान में 23 मार्च को सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे ये मैच शुरू होगा और 3 मैचों की सीरीज को अंग्रेज हर हाल में जीतकर सीरीज का खात्मा जीत के साथ करना चाहेंगे। वहीं टीम इंडिया अपने विजय रथ को जारी रखना चाहेगी और इसीलिए पुणे पहुंचते ही टीम इंडिया ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और प्रैक्टिस सेशन में ही भारत की टीम की झलक भी नजर आई है। अब जो टीम पहले मैच में खेलेगी वो आप भी देखिए। तो इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा की बतौर ओपनर वापसी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित टीम में नहीं थे और तब शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल ने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन अब रोहित ने वापसी कर ली है और हिटमैन ही ओपनिंग करेंगे और रोहित का साथ देंगे शिखर धवन। जी हां, धवन को यहां वनडे सीरीज में एक बार फिर से ओपनिंग करने का मौका मिलेगा। तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली खेलने आएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है और विराट अपनी प्रचंड फॉर्म यहां भी दिखाएंगे, जबकि इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को रखा जाएगा। अय्यर को वनडे मैचों में लगातार चौथे नंबर पर खिलाया जा रहा है, उन पर भरोसा जताया जा रहा है और यहां भी वही पोजिशन अय्यर की रहेगी। पांचवें नंबर की बात करें तो केएल राहुल यहां पर खेलने आएंगे। जी हां, T20 सीरीज में 4 मैचों में फ्लॉप रहने वाले केएल राहुल को 5वें नंबर पर एक बार फिर से वनडे मैच में भी खेलने का मौका मिलेगा। राहुल को लगातार वनडे मैचों में 5वें नंबर पर ही खिलाया जा रहा है और राहुल यहां अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि केएल राहुल ही यहां पर पहले वनडे मैच में विकेट कीपिंग करते हुए भी नजर आएंगे। जी हां, वनडे मैचों में ऋषभ पंत को पहले मैच में मौका नहीं मिलेगा और राहुल ही यहां पर कीपिंग भी करेंगे। 5 बल्लेबाजों के बाद टीम में 3 ऑलराउंडर रखे जाएंगे। 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलने आएंगे, जो कि आखिरी वनडे मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे और अब तो हार्दिक गेंदबाजी भी करने लगे हैं, लिहाजा हार्दिक का डबल धमाल यहां भी नजर आएगा। वहीं 7वें नंबर पर कुणाल पांड्या खेलने आएंगे। जी हां, पहली बार वनडे टीम में शामिल किए गए कुणाल को यहां पहला वनडे मैच खेलने का मौका मिलेगा। विजय हजारे ट्रॉफी में कुणाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और शानदार बॉलिंग भी की थी और यहां कुणाल वनडे टीम में जडेजा की जगह भरने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद तीसरे ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर होंगे। सुंदर को 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाएगा तो ऑफ स्पिन में भी सुंदर अपना दमखम दिखाएंगे। अब इनके बाद टीम में एक और स्पिनर को रखा जाएगा। युजवेंद्र चहल की टीम में फिर से वापसी होगी और लेग स्पिनर चहल स्पिन डिपार्ट को लीड करेंगे। वहीं टीम में 2 तेज गेंदबाज रखे जाएंगे, भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर को ही यहां पर खेलने का वनडे मैच में मौका मिलेगा। भुवी तो शानदार लय में है तो शार्दुल भी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। यानी टीम में हार्दिक पांड्या समेत 3 तेज गेंदबाज होंगे तो 3 ही स्पिन गेंदबाज भी होंगे और 6 गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया पहला वनडे मैच खेलने उतरेगी, जिसमें ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल जैसे दिग्गजों के लिए फिलहाल टीम में जगह नहीं है, हालांकि अगले मैचों में इन्हें मौका मिल सकता है। तो कैसी है पहले वनडे की टीम भारत के लिए, कैसा है कॉम्बिनेशन, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।